दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। श्री कृष्ण के दिए श्राप की वजह से आज भी जिंदा भटक रहा है अश्वत्थामा। महाभारत की जाने कितनी कहानियां हमारे लिए एक रहस्य ही है। आज तक जो महाभारत काल के सबूत मिले हैं वह एक कहानी बनकर हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि उसका पूरा विश्लेषण कर पाना और सही जानकारी दुनिया के सामने रख पाना बहुत मुश्किल है। इतिहासकार भी यह बात भली भांति जानते और मानते हैं। दोस्तों, महाभारत का एक किरदार जिसका नाम अश्वत्थामा था, इतने शक्तिशाली थे कि वह एक ही दिन में महाभारत का अंत कर सकते थे, जिसको श्री कृष्ण जानते थे और ऐसा होने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ता और बुराई की जीत हो जाती। इसके लिए श्री कृष्ण जी ने ऐसा होने नहीं दिया। आज हम इस महान योद्धा के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए आप हमें ऊपर दिख रहे पीले बटन को दबाकर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जो इनके पिता थे, दोनों मिलकर महाभारत युद्ध का अंत आसानी से कर सकते थे। यह इतने बड़े और महान योद्धा थे कि इनके पास युद्ध कला के सारे गुण विद्यमान थे। महाभारत युद्ध बहुत ही अनुशासन के साथ लड़ा गया युद्ध था, जो सूर्योदय से शुरू होता था और सूर्यास्त के समय समाप्त हो जाता था। सब योद्धा अपने अपने शिविरों में आराम करते थे। महाभारत के बड़े योद्धाओं में अर्जुन, भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण का नाम सबसे बड़े योद्धा में गिना जाता है। इनमें अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को मना भी किया था, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना और इस वजह से हजारों की संख्या में निर्दोष जानवर, प्राणी और जीव जंतु मारे गए। यह सब देखकर श्री कृष्ण का दिल तड़प उठा और उनके मुख से अनायास ही अश्वत्थामा के लिए बुरे शब्द निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तड़प तड़प कर यह निर्दोष प्राणी मरे हैं, उनकी सबकी तड़प महसूस करके तुम हजारों वर्षों तक जिंदा रहोगे। तुम में से गंदे जख्मों की बदबू हमेशा आती रहेगी और तुम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आज ऐसा विश्वास किया जाता है कि अश्वत्थामा श्री कृष्ण के लिए इस शराब की वजह से जिंदा है और किसी गुफा में, जहां मनुष्य कर जाना सुरक्षित नहीं है, रहते हैं और शिवजी की पूजा करते हुए अपने किए हुए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। इसके बारे में शायद आपने एक बड़े टीवी चैनल पर एक खबर भी हाल ही में जरूर देखी होगी। यह कहानी एक रहस्य बनकर इतिहासकारों के सामने खड़ी है। ना जाने कितनी और ऐसी कहानियां हैं जिन्हें एक एक करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।